पुलिस की दबिश और दबिश के बाद मौत के बाद आज तीसरा दिन है। आप देख सकते हैं ये कन्हैया यादव का घर है, शोकाकुल परिवार। अंतिम संस्कार के बाद जो हिंदू धर्म में धार्मिक रीति रिवाज है कि 13 दिन पे 13वीं होती है, ये घर है शोकाकुल परिवार के। जो शुभचिंतक हैं, जो जानने वाले हैं, वो घर पे आ रहे हैं, उनको ढांढता भी दिला रहे हैं और हिम्मत की ताकि जो ये घटना हुई है उससे उनको बल मिले, आपको बल मिले। ये तमाम फोर्स एहतियातन यहाँ रखा गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अब अप्रिय घटना ना हो। फोर्स कई थानों की फोर्स है, SHO शहीद राजा जो कार्यवाहक हैं वो भी हैं, उनके साथ तमाम थानों की फोर्स है, PAC है, और यहाँ एहतियातन रखा गया है ताकि किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं ये तमाम CO's की गाड़ी, SHO, तो ये जो लोग हैं यहाँ सुरक्षा की दृष्टि है, एहतियातन यहाँ है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अब अप्रिय घटना ना हो। आज तीसरा दिन है, शोकाकुल परिवार घर में है। हिंदू धार्मिक रीति रिवाज से जो कार्यक्रम होते हैं अंतिम संस्कार के बाद वो घर के अंदर हो रहा है। कन्हैया यादव, उनकी पत्नी, एक छोटी बेटी जो घायल हो गई थी वो भी है, तमाम लोग हैं। माहौल जो है धीरे धीरे शांत है और जो है अप्रिय घटना की अब कोई आशंका भी नहीं है। तमाम पुलिस फोर्स एहतियातन यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से लगे हैं। शशांक शेखर पांडे, ABP गंगा, चंदौली। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।